हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे। और आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे रील्स स्लोमो और फास्ट कर सकते हो, वो भी इजी तरीका से। और दोस्तों, ये स्लोमो फास्ट वाला इफेक्ट आप एक एप्लीकेशन से कर सकते हो और वो एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इजीली वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ये वीडियो आपको पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कैसे आप मतलब कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही आप आईफोन वाला लुक दे सकते हो अपने वीडियोस को और अपने रील्स वीडियो को मेक करके एडिट करके आप अपलोड कर सकते हो इजिली अपने रील्स पे। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल YT Smarty और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको वो जो आपका वीडियो एडिट करना है आपको कौन एप्लीकेशन से करना है, जो कि आप स्लो कर सकते हो अपने वीडियो को और फास्ट कर सकते हो और पूरा के पूरा आईफोन तरह कर सकते हो, जो कि आपको बहुत सारा ट्रेंडिंग रील्स चला आ रहा है, जो कि बहुत जन इससे इस एप्लीकेशन से एडिट करते हैं, वो आपको यही एप्लीकेशन से एडिट करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ये एप्लीकेशन फ्री एप्लीकेशन है, आप इसलिए जाओ यहाँ पर और यहाँ पर लिखो VN एप्लीकेशन। ठीक है, VN एप्लीकेशन लिखने के बाद आप सर्च कर लो और दोस्तों, सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अपडेट मांग रहा है ये एप्लीकेशन। आप जाओ यहाँ पर, पूरा का पूरा फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पर कोई भी वाटर मार्क नहीं आने वाला है और यहाँ से आपको वीडियो पूरा का पूरा 4K में एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर VN एप्लीकेशन को ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आपको ऊपर पे स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा तो स्किप पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कोई सा भी वीडियो एडिट करना है तो नीचे पे आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा तो इसलिए आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। और दोस्तों, प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितना वीडियो है आपके मोबाइल पे आपको यहाँ पर खुल जाएगा। आपको जो सभी वीडियो पे स्लोमो देना है या आपको शेक इफेक्ट देना है, दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्लोमो और फास्ट कैसे कर सकते हो अपने वीडियो को। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो डाउनलोड करके रखा हूँ जो कि आपको इस पे स्लोमो देकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो रहा और वीडियो में सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लू वाले आइकन पर टैप कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा यहाँ पर वीडियो आ गया। ये भाई रोहित भाई का वीडियो है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। आप देख सकते हो ये वीडियो थोड़ा यहाँ पर देख सकते कैसे यहाँ पर स्लोमो मतलब कि फास्ट गया और यहाँ स्लो हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का एडिटिंग है। ये जो वीडियो है ना, ये भी वीडियो एडिट हुआ है, वो भी VN एप्लीकेशन से। तो दोस्तों, इसी का मैं आज के वीडियो पे आपको ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको वॉच करना दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला है ना, इसे आपको सेलेक्ट करके सबसे पहले डिलीट करना है। और दोस्तों, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है तो ओरिजिनल पर टिक करो। टिक करने के बाद यहाँ पर आप 9:16 पे क्लिक कर लो सबसे पहली बार और अब आपको यहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक और कोई ऐसा वीडियो ऐड करता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ये वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद नीचे ब्लू वाले आइकन पर टैप करता हूँ। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। ये जो बंदा है देख सकते हैं कितना आराम से चल रहा है और यहाँ पर ये बंदा का स्लोमो हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बंदा आराम से चल रहा है यहाँ पर इसका स्लोमो रहेगा और जो बंदा जो पूरा एकदम हल्का हल्का स्लोमो चल रहा है और इसे मैं फास्ट करके आपको दिखाता हूँ तो वो कैसे होगा, वही वीडियो पे आज के वीडियो में शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपको जहाँ भी फास्ट करना है, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये बंदा चल रहा है, अगर आपको यहाँ से इतना दूर जो चला है इस पर आपको स्लोमो देना है तो आपको यहाँ पर ट्रैक करके ये लाइन पे लाना और लाइन पे लाने के बाद इस क्लिप को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट जैसे ही करोगे पूरा आउटलाइन येल्लो हो जाएगा आपको वीडियो पे भी और आपका क्लिप में भी। और होने के बाद आपको नीचे पे स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा हो तो आपको स्प्लिट पे ऑप्शन पे टैप करना। टैप करने के बाद आपका ये क्लिप सिंगल रह जाएगा। ठीक है, सिंगल रहने के बाद इस क्लिप को टैप करो और टैप करने के बाद नीचे पे आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसलिए स्पीड पे टैप करो। और स्पीड पे टैप करने के बाद आपको इधर रेगुलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रेगुलर पे जाओ। यहाँ पर बंदा इजी चल रहा है, यानी कि ना स्लोमो लगा हुआ ना फास्ट लगा हुआ,
अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्लोमो भी लगा सकते हो और फास्ट भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्लोमो लगाता हूँ, तो आपको क्या करना है, पीछे करना है। देख सकते हैं बंदा कितना स्लो हो गया, आपको जितना मन चाहे उतना स्लोमो कर सकते हो, यहाँ पर अपना इजिली कर सकते हो। यहाँ पर मैं इजिली हल्का आईफोन वाला स्लोमो दिया हूँ, 1/3x पे किया हूँ और यहाँ पर टिक पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा का वीडियो स्लोमो हो गया, देख सकते हैं बंदा कितना स्लोमो में आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पर जो बंदा है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अब स्लोमो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर मैं स्प्लिट करूँगा और यहाँ से वीडियो है, यहाँ से वीडियो का स्लोमो स्टार्ट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो का स्लोमो स्टार्ट हुआ। अब मैं इस वीडियो को स्लोमो नहीं करूँगा, अब इस वीडियो को मैं फास्ट करूँगा। ये वीडियो स्लोमो है, इसमें क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद नीचे स्पीड पर क्लिक करूँगा और रेगुलर पर जाऊँगा और यहाँ पर फास्ट पे, यहाँ पर फास्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरा फास्ट कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है, द वीडियो विथ 8x स्पीड, यानी कि आपका 8x हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेसिंग लगा, अगर आपको पूरा का पूरा फास्ट चाहिए वीडियो, तो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ प्रोसेसिंग लेगा और टिक पे क्लिक करो। यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो कितना स्लो था दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ और ये वीडियो देख सकते हैं ये स्लोमो था और ये वीडियो कितना फास्ट हुआ। यहाँ पर मतलब कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो को टैप करो, टैप करने के बाद स्पीड पे क्लिक करो, रेगुलर पे जाओ और इसे भी फास्ट करो। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो स्लोमो था दोस्तों, ये वीडियो फास्ट था, इसे मैं स्लोमो कर दिया। अब दोस्तों ये वीडियो स्लोमो था, इसे मैं फास्ट कर दिया। आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर फिर स्लोमो हुआ। अब मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ और इसे मैं फिर से स्पीड करता हूँ। ठीक है, आप इजीली स्पीड कर दो। ठीक है, स्पीड करने के बाद टिक पे क्लिक करो और ये वीडियो भी स्पीड हो गया। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। तो इसी तरह आपको ये भी वीडियो मेक हुआ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी, यहाँ पर स्प्लिट कर करके जहाँ मन चाह देख सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो प्ले हुआ ना, यहाँ पर थोड़ा स्पीड हुआ, ठीक है वीडियो, और यहाँ पर यहाँ से स्लो हुआ वीडियो, यहाँ से वीडियो पूरा स्लो होता गया। और ये जो कैमरा से डायरेक्ट आईफोन का कैमरा से वीडियो शूट किया हुआ है, इसलिए इतना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। और जो दोस्तों ये जो स्लोमो आ रहा है ना, ये आईफोन का स्लोमो है। और जो आगे मुझे स्पीड है ना दोस्तों, ये जो स्पीड है, ये VN एप्लीकेशन का एडिटिंग है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह एडिट करके, आप अगर चाहो तो इसे डिलीट कर दो, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना तो आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट पे टैप करो। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना आपको बीच पे, आप यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर टैप करोगे प्लस वाला आइकन पे, तो यहाँ पर ब्लैक फेड में लगा सकते हो ऐसे करके। अगर आप जूम करना तो ऐसे करो, जूम कर सकते हो, जूम इन करना तो जूम इन कर सकते हो, रोटेट करना तो रोटेट कर सकते हो, रिवर्स करना तो रिवर्स कर सकते हो। और आपको यहाँ पर ऐसा बहुत सारा देख सकते हैं कैसा इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा आपको, ब्लर का बहुत सारा ऐसा इफेक्ट मिल जाएगा जो कि आप इजिली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और लगा के यहाँ पर टिक पे क्लिक करके आप इजिली यहाँ पर ऐसे करके लगा सकते हो और अपना रील्स वीडियो को इंटरेस्टिंग मेक कर सकते हो। और आपको अगर इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आप इजिली एक्सपोर्ट पर टैप करो। टैप करने के बाद अगर आपको 4K पे लगाना है, यानी कि 4K में एक्सपोर्ट करना, तो आप यहाँ से रेजुलेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप इजीली बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर नीचे पे आपको टिक का ऑप्शन दिख जाएगा, टिक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्वालिटी घटेगा नहीं वीडियो का, और हो सके तो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर VN एप्लीकेशन से बहुत तगड़ा एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों सारा का सारा तगड़ा एडिटिंग का ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ दोस्तों, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है वीडियो। अगर आपको वो सारा एडिटिंग देखना है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बस दोस्तों आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और अच्छा से एक कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।